आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना बता दूं कि आप सभी लोग जो है लॉगिन करके चेक कर ले, क्योंकि अभी तक जो है 3-4 बच्चों ने मुझे कॉल किया है और उन्होंने बताया है कि उनका कॉलेज जो है चेंज हुआ है। मतलब कि पहले जो है उनका दूसरा कॉलेज था और अभी क्या है कि उनका दूसरा कॉलेज आ गया है, लेकिन उनको जो है कॉलेज आवंटित सरकारी हुआ है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है लॉगिन करके चेक कर ले, और जो बच्चे वो होंगे जिनका कल कॉलेज शो कर रहा था और अभी जो है कॉलेज शो नहीं कर रहा है, तो वो मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसा भी प्रक्रिया में देखने को मिला है कि कल जो है आपको कॉलेज मिला था और आज जो है आपको कॉलेज वहां शो नहीं कर रहा है। रही बात जो बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिल गया है तो अभी जो है जल्दीबाजी नहीं करेंगे, या जो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है वो भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। आप सभी लोग जो है सबसे पहले जो भी कॉलेज आवंटित हुआ है वहां पर जो है कॉल करके या जाकर पता करें कि क्या क्या प्रक्रिया है एडमिशन की, सारी बातों को समझ ले फिर एडमिशन के लिए जाए। घबराना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि आपके एडमिशन 23 तक होंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? और प्राइवेट वाले कॉलेज जिन बच्चों को मिला उनसे निवेदन है कि आप कॉलेज जाकर या फोन से जो है पता कर ले, सारी प्रक्रिया को समझकर और फी स्ट्रक्चर को समझकर ही एडमिशन लेंगे। स्लाइड अप की प्रक्रिया में बिहार बोर्ड ने जो है गलत तरीका दिया है, और ये गलत तरीका है क्योंकि ITI पॉलिटेक्निक और फार्मेसी वगैरह में जो स्लाइड अप होते हैं वो इस तरह से नहीं होते हैं। आपको केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है और आपको सेकंड लिस्ट में अलॉट किया जाता है। अगर नाम आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपका पहला वाला कॉलेज ही मिलता है। लेकिन यहां पर जो है उल्टा हो गया है, यहां पर पहले आपको एडमिशन करवाना है फिर आपको जो है स्लाइड अप करना है। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन नंबर रद्द कर दिया जाएगा और आपका जो लिस्ट में नाम है वो हटा दिया जाएगा। तो ये गलत है और इसके ऊपर कार्य होना चाहिए, बोर्ड को सुधार करने की जरूरत है। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो भी कॉलेज प्राइवेट वाले मिले हैं वो बोर्ड को मतलब उनको मेल करें और यह बोले कि आप स्लाइड अप की प्रक्रिया में चेंज करें। मैंने किया है मेल, आप सभी लोगों से निवेदन है मेल करें, अधिक से अधिक चेंज होना जरूरी है, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज का फी स्ट्रक्चर जो है कम किया जाए, उनका फी स्ट्रक्चर 50 से 60 हजार किया जाए, ना कि 1.5 लाख। अभी जो है प्राइवेट कॉलेज का फी जो है 1 से 1.5 लाख बताया जा रहा है, कहीं कहीं 1,20,000, 1,50,000 भी बताया जा रहा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है ये सारी बातों को समझे, सबसे पहले आप सभी लोग लॉग इन करें और चेक करें क्या आपके कॉलेज में चेंज आया है कि नहीं आया है, क्योंकि कुछ बच्चों का चेंज आया है और कुछ बच्चों का नहीं भी आया है। तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आप सभी लोगों का इंतजार कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।